अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी। नजर डालेंगे शोबिज के रंगारंग दुनिया की तरफ। बॉलीवुड की मकबूल गुलकारा नेहा कक्कड़ ने कहा कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम समेत पाकिस्तान सब गुलकारों का कोई तोड़ ही नहीं, वहां टैलेंट का कोई सानी नहीं। बॉलीवुड गुलकारा नेहा कक्कड़ की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो दिल खोल कर पाकिस्तानी गुलकारों की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान के तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं जानती हूं कि मुझे वहां के लोग बहुत प्यार करते हैं। भारतीय गुलकारा नेहा कक्कड़ की वायरल वीडियो पर पाकिस्तानी सार्फीन ने उनके मिजाज को खूब सराहा और इनकी साफगोई की भी काफी तारीफ की। बॉलीवुड के नामवर अदाकार कार्तिक कार्यान का दूसरी बार कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन की समाजी रबते की साइट इंस्टाग्राम के जरिए अपने मद्दाहों को आगाह किया कि वो फिर से कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अदाकार ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा था कि कोविड से रहा नहीं गया। कार्तिक के वबा से मुतासर होने की खबर सुनकर उनके पूर्व सितारों ने जल्द सेहतियाबी की दुआएं की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कार्तिक आर्यन इससे कबल रवान साल मार्च में पहली बार कोरोना से मुतासिर हुए थे। अदाकारा सबा कमर ने रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत और उनकी शादी के तनाजात से मुतल्लिक ख्यालात का इजहार किया है। हाल ही में सबा कमर ने एक वेब चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे आमिर लियाकत के हवाले से पूछा गया। अदाकारा ने जवाब में ठंडी आह भरते हुए कहा कि अल्लाह से ये ही दुआ करती हूँ कि वो आमिर लियाकत को सब्र दे, इज्जत दे और हिदायत दे।